बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप लोग को सेहत वाली ज़िंदगी दे और अपनी हिफ्ज़ और ईमान में रखे। सी व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत और अमेजिंग डेकोरेशन आइडियाज़ लेकर आई हूँ। बहुत ही खूबसूरत और अमेजिंग ये डेकोरेशन आइडियाज़ हैं व्यूअर्स। फ़्लावर्स के बहुत ही खूबसूरत और ज़बरदस्त फ्लावर के साथ डेकोरेशन की गई है, आप लोग देख सकते हैं। आप लोग जो है घर में पेपर्स के ज़रिए जॉइंट फ्लावर बना सकते हैं, लार्ज फ्लावर बना सकते हैं और उसकी खूबसूरत सी डेकोरेशन कर सकते हैं। आप लोग बैलून्स लें, फ्लावर्स लें, बैलून्स और फ्लावर्स का कॉम्बो बनाकर उनकी खूबसूरत सी डेकोरेशन कर लें। बहुत ही खूबसूरत और अमेजिंग डेकोरेशन आइडियाज़ हैं व्यूअर्स, आप लोग देख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये आइडियाज़ और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इसके अलावा आप लोगों को बहुत ही खूबसूरत और अमेजिंग जो है वीडियोस देखने को मिलेंगी, आप लोगों को बहुत ही खूबसूरत डेकोरेशन आइडियाज़ देखने को मिलेंगे। बहरहाल आप लोग ये वो जो हैं फ्लावर्स बना सकते हैं घर में। अगर आप लोगों के पास पेपर्स पड़े हैं, सिंपल कलरलेस पेपर पड़े हैं, सो आप लोग इनके ख़ूबसूरत से डेकोरेशन बना सकते हैं, फ़्लावर्स बना सकते हैं और फ़्लावर्स बनाकर आप ख़ुद घर में जो है ख़ूबसूरत सी डेकोरेशन कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये आइडियाज़ और ये डेकोरेशन आइडियाज़ पसंद आए होंगे व्यूअर्स। बहुत ही खूबसूरत अमेजिंग लेटेस्ट डेकोरेशन आइडियाज़ हैं। सो अगर आपको ये मेरी वीडियोस पसंद आई हैं, अगर आप लोगों को मेरे आइडियाज़ पसंद आए हैं व्यूअर्स, सो प्लीज़ लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। बेल के बटन को प्रेस करने से तमाम आइडियाज नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। आप लोगों को किस तरह के आइडियाज़ वीडियोस चाहिए आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करके मुझे बता सकते हैं और मुझसे शेयर कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं आप लोगों के लिए और बहुत खूबसूरत और अमेजिंग जो है आइडियाज़ लेकर आऊँ। और इंशाअल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी नेक्स्ट टाइम आप लोगों के लिए और बहुत ही खूबसूरत और अमेजिंग डेकोरेशन आइडियाज़ लेकर आऊँ। तब तक के लिए आप लोग मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ मुझे लाजमी याद रखिएगा।